वेलकम टू एजुकेशन विथ मैं आशीष सर। हम स्टैंडर्ड 10th के चैप्टर नंबर 5 के अरिथमेटिक प्रोग्रेस के जो क्वेश्चन है, यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन है इफ एस एन इज इक्वल टू 12² + 3 एंड देन डी इज क्या होगा। यहाँ पे डी इज इक्वल टू, यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स नहीं बट ट्रू फॉल्स के टर्म में, बट हम फिल इन द ब्लैंक्स के टर्म में उसको सॉल्व करेंगे। तो एस एन के लिए क्या होगा, तो डी इज इक्वल टू क्या होता है ए टू माइनस ए वन। ठीक, तो नॉर्मली हम ए टू फाइंड आउट करते हैं, तो ए टू के लिए और ए वन, तो एस वन ए वन इज इक्वल टू क्या होगा एस वन, एस वन यानी कि क्या होगा 2² + 3 यानी कि 2 + 3 यानी कि क्या मिलेगा 5 मिलेगा। और ए टू इज इक्वल टू क्या होता है s2 - s1 होता है, क्या होता है s1। तो s2 फाइंड आउट करते हैं, s2 कितना होगा, तो 2² + 3² 2, तो 2² कितना होगा 4, 4 + 8, 8 + 3 = 6, 6 + 8 कितना होगा 14 माइनस s1, s1 कितना है 5, तो 14 - 5 करोगे तो कितना मिलेगा 9 मिलेगा। तो डी इज इक्वल ए टू इज इक्वल टू कितना है 5, तो डिफरेंस क्या होता है a2 - a1 यानी कि लास्ट में लिखते हैं डी इज इक्वल टू a2 - a1 यानी कि 9 - 5 यानी कि क्या मिलेगा 4। तो ये ट्रू आंसर है, ट्रू फॉल्स के टर्म में, अदरवाइज तुम ऐसे फाइंड आउट कर सकते हो। थैंक यू स्टूडेंट वॉचिंग फॉर वीडियोज़।